सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आप लोगों के डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के इंग्लिश सब्जेक्ट के राजन सीरीज के वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को। दोस्तों, ये जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, ये एक एक नंबर के आपके एग्जाम में आते हैं और ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं आपके एग्जाम की दृष्टि से। और इसके अलावा दोस्तों, जो वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस होते हैं, इसमें आपको हर तरीके के क्वेश्चन, ग्रामर के भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और जो आपके इंग्लिश टीचिंग में जो भी मेथड होते हैं उनसे भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे और बहुत ही जनरल ग्रामर इसमें पूछा जाता है, जो कि आप सभी लोगों को अच्छे से आता भी है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं और इसका भी हम दो पार्ट बनाएंगे, तो आप याद रखिएगा। आज हम यहाँ पर पहला पार्ट स्टडी करेंगे और समझते हुए सभी क्वेश्चंस को चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाई चेंजिंग अंडरलाइंड नाउन वर्ड इंटू वर्ब। दोस्तों, यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ अंडरलाइंड नाउन को हमें वर्ब में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए, अंडरलाइंड नाउन को हमें चेंज करना है वर्ब में। तो यहाँ पर ही राइट अ लेटर हो जाएगा ही रोट अ लेटर, यानी कि ही राइट अ लेटर का मतलब क्या है, वह पत्र लिखता है। ही रोट अ लेटर, उसने पत्र लिखा, यानी कि उसने काम क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, गिव द डेफिनेशन ऑफ वर्ब। वर्ब इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स व्हिच सेज दैट अ पर्सन और थिंग इज, हैज और डज। वर्ब्स आर यूज्ड टू शो व्हाट अ पर्सन और थिंग इज डूइंग, बीइंग और प्रोसेसिंग। वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड्स। बस आप इतना अगर याद रखोगे, वर्ब्स आर आल्सो कॉल्ड एक्शन और डूइंग वर्ड्स। आप जो कुछ भी कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्शन कर रहे हो, वो सभी क्या है, वर्ब ही होते हैं। वो सभी चीजें वर्ब हैं, जो भी काम आप करते हो। और यहाँ पर आप सभी को पता है कि हंसना, खाना, सोना, इसके अलावा पढ़ना, लिखना, जहां पर भी पीछे ना आ रहा है, वो सभी क्या है, वो सभी वर्ब है। तो ये सभी जिसमें भी आप कोई काम करते हो, वो सभी क्या होते हैं, वर्ब ही होते हैं। और वर्ब की फॉर्म क्या होती है, चेंज होती रहती है टेंस के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर इसीलिए देखिए, राइट का क्या हो गया था, रोट हो गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थ्री है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड कॉलम। कॉलम में साइलेंट क्या है, सी ओ एल यू एम एन में कॉलम। तो आप देखिए, कॉलम यम तक तो आ रहा है लेकिन यन का कहीं जिक्र ही नहीं है, तो इसीलिए यन क्या है, साइलेंट है। जिसका प्रोनंसिएशन आपको नहीं, आप उस वर्ड को बोलोगे लेकिन आप देखोगे कि उसका प्रोनंसिएशन, आप जो प्रोनंसिएशन कर रहे हो तो उसमें वो वर्ड आ ही नहीं रहा है, तो उसी वर्ड को हम कहेंगे साइलेंट वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर यन क्या है, साइलेंट हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फोर है, विच लेटर इज साइलेंट इन द वर्ड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी में साफ साफ दिख रहा है एस वाई सी एच ओ एल ओ जी वाई, ये वर्ड्स आ रहे हैं लेकिन पी नहीं आ रहा, और ये बार बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में। साइकोथेरेपी करके पूछा गया था, आप ही के एग्जाम में पूछा गया था, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में मैंने कराया भी है, आप लोग के पवन सीरीज में भी कराया है, राजन सीरीज में भी कराया है उस क्वेश्चन को। तो यहाँ पर देखिए, राइट आंसर हो जाएगा पी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर फाइव, राइट द फोर साइलेंट वर्ड्स ऑफ के। ऐसे आप ऐसे शब्दों को लिखिए जिसमें के क्या हो, साइलेंट हो। ऐसे चार वर्ड्स लिखने हैं। तो देखिए, नाइफ मतलब क्या होता है, चाकू, के एन आई एफ ई होता है, लेकिन इसको हम पढ़ते क्या है, नाइफ। ऐसे ही नॉक, नॉक द डोर, डोर को खटखटाना, तो एन ओ सी के एन ओ सी के होता है, लेकिन यहाँ पर देखिए जो उच्चारण आ रहा है केवल नॉक, एन ओ सी के आ रहा है, लेकिन होना क्या चाहिए, पूरा के एन ओ सी के, नॉक। इसके बाद नाइट, नाइट एन आई जी एस टी नहीं, के एन आई जी एस टी, के एन आई जी एस टी का मतलब होता है योद्धा। आपने देखा होगा गुड नाइट लिखा होता है, जो मच्छरों को भगाने के लिए आता है, उसपे गुड इस तरीके से के एन आई जी एस टी लिखा होता है। तो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि गुड नाइट तो समझ में आता है, ये के क्यों लगा है, तो के मतलब अच्छे योद्धा, गुड मतलब अच्छे और नाइट मतलब योद्धा, अच्छे योद्धा। तो यहाँ पर वही चीज है, नाइट मतलब योद्धा, तो यहाँ पर भी के क्या है, साइलेंट है। फिर नॉलेज, नॉलेज मतलब ज्ञान होता है, आप सभी को पता है,
और इसका जो इसमें जो के है वो क्या है, साइलेंट है, तो नॉलेज हम पढ़ते हैं NOWLEDGE, लेकिन इसमें आगे क्या होता है, के होता है, लेकिन के क्या होता है, साइलेंट होता है, इसका हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 है, राइट द 5 साइलेंट वर्ड्स ऑफ यू। ऐसे वर्ड्स को आप लिखिए जिसमें यू क्या हो, साइलेंट हो, जैसे कि बिल्ड, BUILD होता है, लेकिन इसको हम बिल्ड पढ़ते हैं, ऐसे ही बिल्ट है, BULT। फिर गिल्ट है, GUILT, गिल्ट में भी यू का उच्चारण नहीं होता। गाइड में भी GUIDE होता है। गेस में भी GUESS होता है, गेस। तो इस तरीके से इन सभी में यू साइलेंट होता है। इसके बाद है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन। एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ प्रोनाउंसिएशन क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोनाउंसिएशंस आर गिवन ओनली वेयर दे आर लाइकली टू काज प्रॉब्लम फॉर द नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश इन पर्टिकुलर फॉर फॉरेन वर्ड्स, साइंटिफिक एंड अदर टेक्निकल टर्म्स, रेयर वर्ड्स विथ अनयूजुअल स्ट्रेस पैटर्न्स एंड वर्ड्स इन विच द स्टैंडर्ड प्रोनाउंसिएशन इज डिस्प्यूटेड। दोस्तों यहाँ पर बताया गया है कि प्रोनाउंसिएशन का मीनिंग क्या होता है, उच्चारण होता है, आप सभी को पता हिंदी। यहाँ पर बताया गया है कि जब हम किसी भी फॉरेन लैंग्वेज को सीखते हैं तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो हमें कठिन लगते हैं, तो हम क्या करते हैं उसको अपनी भाषा में उसका ट्रांसलेट कर देते हैं और फिर उसको अच्छे से समझ जाते हैं। तो इसे ही हम क्या कहते हैं, प्रोनाउंसिएशन कहते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट डू यू मीन्ट बाई पार्ट ऑफ स्पीच। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या क्या आते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, ये सभी किसमें आते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच में आते हैं। द मेजर कैटेगरीज इन टू विच द वोकेबुलरी ऑफ लैंग्वेज इज डिवाइडेड आर नोन एज पार्ट ऑफ स्पीच। दे आर 18 नंबर इन इंग्लिश लैंग्वेज, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, ये सभी क्या है, ये सभी है पार्ट ऑफ स्पीच। क्वेश्चन नंबर 9 है, गिव द डिफरेंस बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन। नाउन और प्रोनाउन में बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है। नाउन आप सभी लोगों को पता है नाउन क्या होते हैं, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। इट इज परफॉर्म सेवरल फंक्शंस इन इंग्लिश, बट नेमिंग इज क्लियरली द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। नेमिंग मतलब नाम होता है, नाउन का मतलब ही नाम होता है। तो कॉमन नाउन में कौन कौन आता है, बॉयज, गर्ल्स। प्रॉपर नाउन में राम, कानपुर। कलेक्टिव नाउन में क्राउड, नेवी, यानी कि जहां पर समूह होता है इकट्ठा। मटेरियल नाउन में वुड मतलब लकड़ी, मिल्क मतलब दूध। इसके बाद एब्स्ट्रैक्ट नाउन में एंगर, फियर, इसके अलावा हैप्पीनेस और भी बहुत सारी चीजें। तो ये सभी क्या हो गए, ये सभी नाउन के प्रकार हो गए, 1, 2, 3, 4 एंड 5। ये 5 टाइप्स के नाउन होते हैं। नाम याद रखिएगा, स्पेलिंग भी अच्छे से याद रखिएगा और एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है और ये 2 से 3 बार आप लोगों के 2017, 18 और 19 का भी पेपर मैंने कराया है, आप देख सकते हैं उसमें भी ऑलरेडी ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, नाउन और नाउन के प्रकार। अब हम प्रोनाउन को देखेंगे। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज इंस्टेड ऑफ नाउन, यानी कि नाउन की जगह पर ही क्या होते हैं, जो वर्ड यूज होते हैं वो होते हैं प्रोनाउन। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउन, IVS, रिलेटिव प्रोनाउन हु विच, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन हुज हुम, डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन माई योर, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन माई सेल्फ हिमसेल्फ, इनडेफिनेट प्रोनाउन वंस, नॉन, फ्यू, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आइदर, नाइदर। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट डू यू मीन बाई एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होते हैं, जो नाउन और प्रोनाउन की क्या बताते हैं, विशेषता यानी कि क्वालिटी या क्वांटिटी। द एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच डिस्क्राइब क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर और एंड सीरियल ऑफ नाउन और प्रोनाउन। यानी कि एडजेक्टिव वे वर्ड होते हैं जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी को, क्वांटिटी को, नंबर को और सीरियल को व्यक्त करते हैं। जैसे कि ही इज एन ओल्ड मैन, मैन मतलब आदमी, ये तो नाउन हो गया, लेकिन मैं आदमी कैसा है, ओल्ड है मतलब बूढ़ा है। तो ये जो ओल्ड आया ये किसके लिए आया, मैन के लिए आया, तो ये मैन की विशेषता बता रहा है। तो ये ओल्ड क्या हो गया, यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट इज सेंटेंस। सेंटेंस क्या होते हैं, सेंटेंस होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स। द सेंटेंस इज ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस।
क्वेश्चन नंबर 12 है, गिव द मीनिंग ऑफ कंजक्शन विथ एग्जांपल। कंजक्शन इज अ ज्वाइनिंग वर्ड, इट ज्वाइंस वर्ड्स, ग्रुप्स ऑफ वर्ड्स और सेंटेंसेस। कंजक्शन क्या होते हैं? ये ज्वाइनिंग वर्ड होते हैं और ये वर्ड्स को ज्वाइन करते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स को भी क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। जैसे कि मोहन एंड राम आर ब्रदर्स, तो यहाँ पर जो जो एंड लगा है ये कंजक्शन है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। किसमें चेंज करना है? पैसिव में वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी, बाई आएगा, आपको पता है। वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो प्रॉमिस शुड बी केप्ट। यहाँ पर दोस्तों मॉडल वर्ब का यूज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बाई का यूज नहीं हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन नाउन वर्ड इनटू वर्ब। तो यहाँ पर आप देखिए, ही गॉट सक्सेस इन हिज अटेम्प्ट, तो यहाँ पर हो जाएगा ही सक्सीडेड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट द काइंड्स ऑफ आर्टिकल एंड गिव एट लीस्ट वन एग्जाम्पल फॉर ईच। तो आर्टिकल कितने होते हैं आपको पता है, तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ए से ए बुक, ए कार, ए पेन, आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हो। इसके अलावा एन ऑनेस्ट मैन, एन अम्ब्रेला लिख सकते हो, अम्ब्रेला आप लिख सकते हो। इसके अलावा आप लिख सकते हो एन आंट, तो इस तरीके से। और इसके बाद यहाँ पर देखिए, द सन, द अर्थ, द अर्थ, उसके बाद द गीता, इस तरीके से द गंगा। तो इस तरीके से दोस्तों आपको पता है, ए का प्रयोग अधिकतर कॉन्सोनेंट के साथ होता है, एन का प्रयोग वॉवेल के साथ होता है, और द जो चीजें बहुत खास होती हैं, जो यूनिक होती हैं, उनके आगे द का प्रयोग होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद सुटेबल आर्टिकल्स। द गार्डन हैड डैश एप्पल ट्री डैश ऑरेंज ट्री एंड डैश गवा ट्री। दोस्तों The garden had an apple. An apple क्यों? क्योंकि A E I O U के साथ an लगता है। Tree यहाँ पर an orange, orange हम बोलते हैं इसको, orange नहीं, an orange। तो जब orange जब निकल रहा है मुख से आ रहा है, इसका मतलब आ क्या है? ये स्वर ही तो है हिंदी में, तो इसीलिए यहाँ पर an orange tree and ए गवा ट्री, यहाँ पर क्या रहेगा? ए। तो इस तरीके से आपको याद रखना है, हो जाएगा द गार्डन हैड एन एप्पल ट्री एंड ऑरेंज ट्री एंड अ गवा ट्री। और ये क्वेश्चन पूछा गया, इसीलिए आप लोग खास ख्याल रखिएगा इसका, यहाँ पर आप खासा ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि एन एप्पल एन ऑरेंज और उसके बाद ए गवा। क्वेश्चन नंबर 17 है, व्हाट इज आवर नेशनल फ्लावर, क्या है हमारा राष्ट्रीय पुष्प? कमल, लोटस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है, राइट द फॉलोइंग फिगर इन वर्ड्स। 1497, 49 इसे हमें लिखना है, तो 14 एफ ओ यू आर टी डबल एन, फिर 97 एन आई एन टी वाई एस ई वी ई एन, फिर 49 एफ ओ आर टी वाई एन आई एन ई, 49। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव। यू डू वर्क रेगुलरली, यू डू वर्क रेगुलरली, तुम वर्क क्या करते हो अपना? रेगुलरली करते हो, लगातार मतलब रोज करते हो, तो यहाँ पर हो जाएगा यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, यानी कि डू के बाद क्या आएगा? नॉट लग जाएगा, तो यू डू नॉट डू योर वर्क रेगुलरली, ये हो गया नेगेटिव में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग अंडरलाइन एडजेक्टिव इनटू वर्ब। तो यहाँ पर आप देखिए, द ऑनेस्ट विल बी प्रॉस्परस, इसे हमें वर्ब में चेंज करना है, तो द ऑनेस्ट विल नॉट बी पुअर, यानी कि जो ऑनेस्ट होता है वो प्रॉस्पेरस होता है, मतलब उसके पास पैसे होते हैं, वो संपन्न होता है, तो द ऑनेस्ट विल नॉट बी ए पुअर, मतलब यहाँ पर सेंस वही आ रहा है कि जो ऑनेस्ट होता है वो गरीब नहीं होता है, वो धनी ही होता है। तो बस इसे हमने किस में कन्वर्ट कर दिया? प्रॉस्पेरस को, ये एडजेक्टिव था, ये कन्वर्ट हो गया वर्ब में नॉट बी पुअर में। क्वेश्चन नंबर 21 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। महेश टीचेज अस साइंस, तो दोस्तों इसे हम दो तरीके से बना सकते हैं। सबसे आप यहाँ पर सबसे पहले ये देखिए दूसरा वाला, तो साइंस इज टॉट बाई, साइंस इज टॉट अस बाई मिस्टर महेश, और वी आर टॉट साइंस बाई महेश।
तो हम किससे सीख रहे हैं साइंस? महेश सर से क्या कर रहे हैं? साइंस विषय को सीख रहे हैं, या महेश सर हमें साइंस विषय सिखाते हैं या पढ़ाते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 22, पॉइंट आउट द आर्टिकल्स यूज्ड इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर कौन कौन से आर्टिकल यूज हुए हैं इस पूरे पैराग्राफ में, आपको यहाँ पर लिखना है। तो आप देखिए, लॉन्ग लॉन्ग एगो देयर वॉज अ किंग, तो यहाँ पर आप देखिए ए मिल गया। इसके बाद ही हैड थ्री सन्स, फिर यहाँ पर द मिल गया। उसके बाद सन वेंट टू द फॉरेस्ट वेयर ही ओवरस्टेड, ही वॉज एन ऑनेस्ट पर्सन एंड गेव जेन्युइन रीजंस फॉर हिज लेट कमिंग। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिला है, आप देखिए ए किंग, उसके बाद फिर द फर्स्ट सन वेंट टू द फॉरेस्ट वेयर ही ओवरस्टेड, ही वॉज एन ऑनेस्ट। तो यहाँ पर क्या मिला है, ए मिला है, एन मिला है हमें, और द मिला है। और यहाँ पर एक और द छिपा हुआ है, आप यहाँ पर देखिए, तो ये द हो गया और ये द, ये वाला द यहाँ पर है, कैपिटल टी लिखा हुआ है, और ये स्मॉल वाला यहाँ है। तो ये इतने आर्टिकल थे जो यहाँ पर आपने छांट करके लिख दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 है, गिव द प्लूरल ऑफ द फॉलोइंग फैमिली एंड बफलो। बफलो, इसको मैक्सिमम लोग बफेलो पढ़ते हैं, लेकिन इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है बफलो। तो यहाँ पर फैमिली का फैमिलीज हो जाएगा, एफ ए एम आई एल आई एस, फैमिलीज। और जो बफलो होता है, इसका जो प्लूरल होता है वो होता है बफलोज, तो बी यू डबल एफ ए एल ओ ई एस। बिल्कुल सही है दोस्तों, याद रखिएगा, 2016 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 24, राइट द अर्थ एंड टेंथ मंथ ऑफ द इंग्लिश कैलेंडर। तो अर्थ मंथ कौन सा होता है, अगस्त होता है, ए यू जी यू एस टी, अगस्त, और टेंथ मंथ होता है अक्टूबर, तो ये हो गया अक्टूबर इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 25, पॉइंट आउट द नाउन इन द फॉलोइंग सेंटेंस। इसमें कौन नाउन है, द क्राउड वॉज वेरी बिग, तो क्राउड क्या होती है, भीड़ होती है ना, तो भीड़ को किस नाउन में हम रखते हैं, कलेक्टिव नाउन में। ये कौन सा नाउन है, कलेक्टिव नाउन। इसके अलावा नेवी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस, द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज, हैवी मतलब भारी, तो ये हो गया एडजेक्टिव, भारी नुकसान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन, वी ऑलवेज लाइक बॉयज डैश द ट्रुथ, हम हमेशा उन बच्चों को पसंद करते हैं जो सच बोलते हैं, तो जो के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे हु, तो ये हो जाएगा वी ऑलवेज लाइक बॉयज हु स्पीक द ट्रुथ। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, रमा हेल्प्स हरी, तो रमा हेल्प्स हरी यानी कि रमा ने हरी की मदद की, तो यहाँ पर हो जाएगा हरी इज हेल्प्ड बाय रमा, ये हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस। क्वेश्चन नंबर 30 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस, तो यहाँ पर देखिए सी इन्वाइटेड मी एट होम, तो ये हो जाएगा आई वॉज इन्वाइटेड एट होम बाई हर, इसका आपने देखा क्वेश्चन नंबर 29 का, हरी इज हेल्प्ड बाई रमा, क्या हो गया, हरी इज हेल्प्ड बाई रमा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस में सी इनवाइटेड मी एट होम का हो जाएगा आई वॉज इनवाइटेड एट होम बाई हर। क्वेश्चन नंबर 31 है, फिल इन द ब्लैंक विथ करेक्ट प्रोनाउन, तो ये हो जाएगा द बर्ड हैज हर्ट डैश लेफ्ट विंग, तो यहां पर दोस्तों द बर्ड हैज हर्ट इट्स आई टी एस इट्स लेफ्ट विंग। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन है दोस्तों आपके फर्स्ट पार्ट में कंप्लीट होते हैं, इसके बाद हम सेकेंड पार्ट पढ़ाएंगे। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का भी निशान होगा उसको भी दबा दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे, और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहे। दोस्तों यहाँ पर आपको आई का निशान दिख रहा होगा, आई के निशान पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, यहाँ से हर विषय की हर एक वीडियो आप देख सकते हो। इसके अलावा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल से भी दोस्तों आप लोग जरूर जुड़िए, टेलीग्राम पर भी आपको सभी वीडियोस मिलती हैं। इसके अलावा दोस्तों
आप लाइक और कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए इस वीडियो को, अधिक से अधिक अपने फ्रेंड्स के साथ भी, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, जहां पर भी आपको लगे कि इस वीडियो की जरूरत है वहां जरूर शेयर कर दिया करिए। और अपने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूला करिए, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपके अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे कमेंट्स ही हमें प्रोत्साहित करते हैं कि लगातार आप लोगों के लिए वीडियोस बनाते रहें और लगातार ऐसे ही हम आप लोगों का मार्गदर्शन करते रहें। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वीडियोज आपको अच्छे लग रहे होंगे और आप ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोज को देखते हुए रहेंगे और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या आप हमसे बताते रहेंगे। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा। जय हिंद दोस्तों।